कभी छुपता नहीं, रोके कभी रुकता नहीं, हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही कभी रुकता नहीं। हेलो दोस्तों, मैं रामर सिंह साक्य, धम्मा जर्नी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संसार प्रसिद्ध वीर मौर्य खत्तियों की एक ऐतिहासिक वीर गाथा। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। बुद्ध की शिक्षाओं से भारत में सैनिक भावना लुप्त हो गई थी इत्यादि मिथ्या धारणा कितनी हास्यास्पद है, जब हम देखते हैं कि समस्त भूमंडल पर अपने बाहुबल एवं ज्ञान के बल पर राज करने वाले मौर्य साम्राज्य को उस समय चुनौती देने वाला कोई माई का लाल धरती पर मौजूद नहीं था। भारत के इतिहास की यह पहली घटना थी और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 160 वर्ष बाद की ही घटना थी। स्वयं सिकंदर, जो यवनों का मस्तक कहा जाता था, उसके मस्तक अर्थात सिकंदर को मौर्यों ने धूल चटा दिया और सिकंदर के विश्व विजेता बनने में भारत विजित करने का स्वप्न अधूरा कर दिया। सिकंदर के सैनिकों में यहाँ की मौर्य मल्ल खत्तीय जातियों की वीरता, बहादुरी, अद्भुत अविचलता ने उनके मन में ऐसा आतंक पैदा किया कि उनके छक्के छूट गए और मालव अर्थात मल्ल और क्षुद्रक गणराज्य पर सिकंदर हमला बोला तो वह घायल हुआ और पूरी यवन सेना को भारत छोड़कर भागना पड़ा। यह सब ऐसे ही घटित नहीं हो रहा था, अपितु सुनियोजित योजना के तहत हो रहा था, जिसके नेतृत्वकर्ता चंद्रगुप्त मौर्य थे। तभी तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस घटना पर कविता की एक लाइन लिखनी पड़ी। जगती पर छाया करती थी कभी हमारी भुजा विशाल, बार बार झुकते थे पद पर ग्रीक यवन के उन्नत भाल, भाल अर्थात मस्तक। सिकंदर, सेल्यूकस, फिलिप, निकोनार, अंतियोकस तृतीय, ये सभी यवनों के मस्तक कहे जाते हैं जो बाहुबली थे, जिसमें से सिकंदर, सेल्यूकस, फिलिप, निकोनार को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाहुबल और मेधा से परास्त किया था। यवन नरेश अंतियोकस तृतीय को सालिसुक मौर्य ने परास्त कर संधि करके वापस लौटने पर मजबूर किया। यूनानी लेखकों और सम्राट अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान मौर्य साम्राज्य के अंग थे। यूनानी विद्वान प्लूटार्क लिखता है कि सेल्यूकस से संधि के बाद एंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर सारे भारत को अपने अधीन कर लिया। इस तरह से हुआ अखंड भारत का निर्माण और केंद्रीय शासन की स्थापना। मौर्यों के पराक्रम व बाहुबल से आक्रमणकारी और दुश्मन आतंकित थे, कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करता था। मौर्य साम्राज्य की प्रबल शक्ति को सुनकर लोहा भी पिघल जाता था। उनके न्याय, नैतिकता, उच्च कोटि के संस्कार और प्रजावत्सल मनुष्य और पशु पक्षियों पर असीम प्रेम ने महापुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। तभी तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कविता की पंक्तियों के माध्यम से लिखना पड़ा। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ है मेरा अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर मगध की तरफ इशारा करते हुए देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि कहाँ है मेरा अशोक, जिसने धरती पर धम्म राज्य की स्थापना करके संसार के प्राणी मात्र के हृदय पर राज किया, जिसने महापुरुषों को भी मात दी, ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित किया। और कहाँ है मेरा बाहुबली चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने तेज, प्रताप और त्याग एवं बाहुबल से भारत देश को अखंड भारत एवं प्रबल शक्तिशाली भारत बनाया, कि जिसके नाम से ही पूरी दुनिया थर्रा उठी। बिगल साहित्य के कवि बांके दास ने अपनी पुस्तक वीर रस में मौर्यों को संसार प्रसिद्ध वीर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कोट वीरायो मोरिया, शाह हुमायूं नंद, टूट कर नहीं टूट ही वीर मदद जगबंद, चित्त
चित्तौड़ में सम्राट चित्रांगद मौर्य का 540 विक्रम संवत का बनवाया किला है। इस किले पर हुमायूं का पुत्र अकबर चढ़ाई किया था। इस पर इतने गोले बरसाए गए कि किले को तोड़ने की जितनी कोशिशें हो सकती थी सब करके अकबर जब हार गया तब उस किले के संबंध में यह पंक्ति लिखी गई थी। यह किला मौर्यों अर्थात मौर्यों ने बनवाया है। इस किले को हुमायूं पुत्र अकबर तोड़ना चाहता था परंतु यह किला टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि संसार प्रसिद्ध वीर इसकी रक्षा करने में डटे हुए हैं। जब कभी कहता है संसार प्रसिद्ध वीर तो किसको कहता है? संसार प्रसिद्ध वीर इन्हीं मौर्यों को कहता है संसार प्रसिद्ध वीर। मौर्य अपनी वीरता के लिए प्रख्यात थे। मौर्यों के पराक्रम और शक्ति का वर्णन सुनकर ही दुश्मन दहल जाते थे। इस वंश के पुरुष और स्त्रियों को समान रूप से सैनिक शिक्षा कानूनी रूप से अनिवार्य थी। इसलिए विदेशी इतिहासकारों ने इन्हें अ नेशन इन आर्म्स कहा है। रिफरेंस के तौर पर प्रोफेसर सदाशिव अल्तेकर द्वारा लिखित पुस्तक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति पुस्तक पढ़ सकते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारी संख्या में औरतें सेना कमांडो और गुप्तचर सेवा में विद्यमान थी, क्योंकि जो काम पुरुष आसानी से नहीं कर सकते थे उसे औरत बड़ी आसानी से कर गुजरती थी। यूनानी विद्वान स्ट्रैबो ने लिखा है कि राजा की अंगरक्षक का भार स्त्रियों को सौंपा गया है। जब राजा आखेट के लिए निकलता है तो उसके चारों ओर स्त्रियों का एक घेरा रहता है। कुछ स्त्रियां रथों पर सवार रहती हैं, कुछ घोड़ों पर और कुछ हाथियों पर, और सब पूरी तरह अस्त्र शस्त्र से लैस रहती हैं, मानो युद्ध में जा रही हों। इस बात से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि मौर्य अपनी आन बान शान के लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों हमेशा तत्पर रहते थे। विदेशियों से कभी समझौता नहीं किए, चाहे भले ही शासन सत्ता से दूर रहे। यह इतिहास के किसी कोने में खोजे भी नहीं मिलता कि मौर्यों ने अपने देश के साथ कभी गद्दारी किया हो। मौर्यों की वीरता और बहादुरी की एक और घटना बात है सन 712 ईस्वी की, जब चित्तौड़ पर मौर्य वंश के राजा मान मौर्य राज्य कर रहे थे। उसी दौरान चित्तौड़ पर मुस्लिम आक्रमणकारी इजिप्त कासिम खलीफा वालिद ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तब मान मौर्य ने कासिम खलीफा को अपने बाहुबल से परास्त कर ईरान तक खदेड़ा था। अर्थात जब जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला बोला, इन्हीं मौर्यों ने अपना समस्त न्यौछावर कर भारत के मस्तक को हमेशा ऊंचा किया। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद को चंद्रगुप्त नाटक पुस्तक में लिखना पड़ा कि मौर्यों के ऋण को भारतवासी भुलाए नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि इन्हीं मौर्यों ने अपनी अदम्य साहस वीरता अद्भुत अविचलता एवं अंतिम दम तक लड़ने की अभिलाषा ने विदेशी हमलावरों के छक्के छुड़ा दिए। यही मान मौर्य का भांजा बप्पा रावल था, जिसने विषमतावादियों के उकसावे में आकर मान मौर्य की हत्या करके गहलोत वंश की स्थापना चित्तौड़ में की। रिफरेंस के तौर पर आप कर्नल जेम्स टाड कृत पुस्तक राजस्थान का इतिहास पढ़ सकते हैं। कर्नल जेम्स टाड ने लिखा है कि 714 ईस्वी में चित्तौड़ का राजा मानसिंह मौर्यवंशी था और बप्पा रावल उसी का भांजा था। मौर्य वंश संसार प्रसिद्ध वीरों का वंश है, जिसमें महाबली चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, सालिसुक मौर्य, चित्रांगद मौर्य और मान मौर्य जैसे वीरों को पैदा किया, जिन्होंने भारतीयों के अंदर अदम्य साहस सही राजनैतिक नेतृत्व दिया। आज भारत देश को पुनः मौर्य वंशियों की जरूरत आन पड़ी है। तो उठो संसार प्रसिद्ध वीरों, अपने बाहुबल एवं मेधा का परिचय दो एवं संगठित होकर पुनः दुनिया को टक्कर दो, चुनौती दो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय इस देश में कोई नहीं जो पुनः भारत को एक प्रबल शक्तिशाली राष्ट्र बना सके और उस पर लोक कल्याणकारी शासन दे सके। तुम्हें पिछलग्गू गुलाम विधायक सांसद मंत्री नहीं, इस देश का हुक्मरान बनना है।
तुम्हें पूरे विश्व को पुनः बंधुत्व सिखाना है। तुम ही मानव द्वारा निर्मित बमों बारूदों को अपने विचारों की शक्ति से निष्क्रिय कर सकते हो। तुम ही आतंकवाद की जड़ें हिला सकते हो। तुम ही दूषित मानसिकता के साथ न्याय कर सकते हो। तो जागो, उठो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने के लिए। इंतजार कर रहा है दिल्ली सल्तनत तुम्हारा। तो यह कहते हुए कि शेर और तुझे स्वतंत्रता पुकार रही है, छूने को वह बुलंदी समा तुझे ललकार रही है। अरे क्या जम चुका है खौलता लहू चंद्रगुप्त अशोक का, नाहर की आत्मा तुझे धिक्कार रही है। दोस्तों, जागरूकता के लिए वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए। ये चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके लाइफ में सही इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान का प्रकाश भरता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय भारत। हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं।